वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय लव टिप्स। इमोशनल फीलिंग क्या होती है? इमोशनल फीलिंग को मेरे देवदास पारो दबा के रखो, नहीं तो रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, कोई आपको नहीं समझेगा, सब आपको ठोकर मारेंगे, छोड़ के चल जाएंगे। आप रोते रहोगे तो यूं सोचेंगे ये तो रोता ही रहता है, तो रोती रहती है, ठीक है। आपको लात मारी जाएगी, आप खुली किताब बन जाओगे, आप खुले हुए पन्ने बन जाओगे, आप पेपर की आंसर की बन जाओगे, और कोई आपको पाना नहीं चाहेगा क्योंकि आपके पास इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जब पैसा हद से ज्यादा किसी को मिल जाता है उसे हजम नहीं होता। एक गिलास पानी की जगह 10 गिलास पानी दोगे हजम थोड़ी होगा। तो वैसे ही तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को हजम थोड़ी होगा, कुत्ते को घी और इन लोगों को सच्चा प्यार कभी हजम नहीं होगा। हजम कराना है तो आपको ये रूल फॉलो करने होंगे। तो जिंदगी में इनके ऐसा पिछवाड़े पर लोदड़ा मारो और सर पे बावड़ा चड्डा पहना के ऐसा गमछा डाल दो कि ये गंगू बाई बने और ये गोचू लाल बन के घूमते रहे गली मोहल्लों में। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, तभी तुम चीजों को समझ पाओगे। और अगर तुम डायरेक्ट मुझसे कॉल के थ्रू सॉल्यूशन लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे होंगे, आप व्हाट्सएप पे जाके कॉल बुक कर सकते हो, डायरेक्ट मुझसे बात कर पाओगे। अब आएंगे मेरे पॉइंट पे। पहली बात, आप हमेशा उन्हें क्यों रोते रहते हो, क्यों बताते रहते हो कि भाई हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, हम नहीं रह पा रहे, हम मर रहे हैं। तुम्हें ये लगता है अगर हम कॉल नहीं करेंगे वो किसी और को गर्लफ्रेंड बना लेगी, किसी और को बॉयफ्रेंड बना लेगा, वो किसी और के साथ सेक्स ना कर ले, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो जाए, घोड़ा बग्गी ना बन जाए, जापानी तेल ना लिया है, बहुत सारी चीजें तुम्हारे माइंड में आती रहती है। तुम्हें लगता है इसका चक्कर इसकी बहन से ना हो, इसके भाई से ना हो, इसके जियाजी से ना हो, इसके फूफा से ना हो, इसके चाचा से ना हो, इसके दोस्त से ना हो, बहुत सारी चीज में मेंटेलिटी तुम्हें टोटली डिस्टर्ब कर देते हैं। तुम सबकॉन्शियस माइंड यूज लेने लग जाते हो, फिर तुम्हें टैग दिए जाते हो। प्यार करने वालों को स्पेशली टैग दिया जाएगा शक्की है, साइको है, पागल है, क्योंकि तुम्हें ओवर प्यार करने की आदत बन चुके हो। तुम उन्हें प्यार करना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तुम्हें डर लगता है यार कोई मेरी प्यारी चीज को कोई ले ना जाए, जैसे ये आज सोने की चैन है, डर रहेगा कोई चोर चोरी ना कर ले, वैसे तुम्हें डर रहता है मेरी गर्लफ्रेंड को कोई नहीं ले जाए, बॉयफ्रेंड को कोई नहीं ले जाए। बट वो उन चीजों को नहीं समझेंगे, उनको ये लगेगा ये हमें बाउंडेशन में रख रहा है, ये हमें रोका टोकी कर रहा है, और तुम्हें वहां लात मारी जाएगी, तुम्हें वहां इग्नोर करा जाएगा। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, उन्होंने आपको खुला छोड़ा, वो आपसे नहीं क्वेश्चन कर रहे ना आप कहां जा रहे हो, क्यों मेरे को मैसेज नहीं करा, क्यों कॉल अटेंड नहीं करा। हाँ ठीक है, तुम कर लो काम, तुम बिजी हो गए, तुम्हें वो चीजें हर्ट कर दिया, तुम बिजी में भी उनको कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तो ये चीजें करना बंद कर दो, टिट फॉर टैट करो। सोचो वो तुम्हारी केयर नहीं कर रही और तुम केयर कर रहे हो, तुम कुत्तों के जैसे भाग रहे हो उसके पीछे, वो तुम्हें लात मार रही है, मार रहा है, तो वैसे तुम थोड़ी लात मारो ना। कई लोगों के डाउट आएगा ऐसे, तो वो हमें छोड़ देगी, छोड़ देगा, वो भी ये वीडियो देख रहा होगा, तो डॉक्टर के पास कौन जाएगा जो बीमार होगा, सही इंसान थोड़ी जाएगा। तो मेरी वीडियो तो वही देखेगा जो दुखिया रहा होगा, इसका मतलब तुम उन्हें दुखी करते हो, तुम उन्हें दुखी नहीं करते, मतलब वो तुम्हें दुखी कर रहे हैं तभी तुम वीडियो देख रहे हो ना। तो एक रूल फॉलो करना, तुम अगर तुम उनके पीछे भाग रहे हो, ठीक है, वो तुम्हें लात मार रही है, तो तुम भागना बंद कर देना, वो तुम्हारे पीछे भागेगी, उसने तुमने उसे छोड़ा गया, वो तुम्हें लात मारी है, नहीं तुम और पागल हो गए। तो अगर तुम उसे लात मारोगे वो छोड़ेगी, जो प्यार करेगा वो नहीं छोड़ेगा, तुम प्यार करते थे तुमने नहीं छोड़ा क्योंकि तुम्हें लात पड़ रही है। अगर वो तुमसे प्यार करती होगी करता होगा, तो तुम अगर थोड़ा सा अवॉइड करोगे, इग्नोर करोगे, अपनी पिक हैप्पीनेस डालोगे या घूमोगे, हाँ बेबी चलो तुम बिजी होगे बाद में बात करते, हाँ तुम काम कर लो, 10 मिनट में कॉल कर रही हूँ, 5 मिनट में कर रहा हूँ, अगर तुम ऐसे ट्रीट करोगे, अरे पूजा कॉल आ गया आधे घंटे में कॉल करता हूँ, विजय का मैसेज आ गया, थोड़ा बिजी हूँ, पार्टी करने जाना, घूमने जाना, ऐसे ट्रीट करोगे तो उसे लगेगा ये क्या हो गया। इंटरेस्ट पैदा करो, फीलिंग्स मत बताओ, फीलिंग की लोग कदर नहीं करते, रोंद के चले जाते हैं, कुत्ता समझते हैं और लात मार देते हैं, और तुम रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, और तुम्हारी लाइफ टोटली झंड हो जाएगी। इसलिए फीलिंग को कभी शो मत करो। चोर को बता दो चाबी यहाँ रखे हो तो चोरी कर लेगा ना, अगर एक गिलास पानी की जगह तुम्हें मैं 20 गिलास पानी या 20 गिलास ड्रम भर के शरबत पिला दूं, तुम मरोगे ना, पेट फूट जाएगा ना। तो वैसे ही ओवर प्यार मत दो ना, ओवर चीजें मत करो ना। देखो तुम्हारा रोना नहीं दिखेगा, तुम्हें बेवकूफ समझा जाएगा, तुम्हें कायर समझा जाएगा, तुम्हें समझा जाएगा ये तो रोता रहता है, तो बच्चा है, ये तो बच्ची है, तुम्हारी फीलिंग को रोन दिया जाएगा। तुम उसके दोस्तों फैमिली में कॉल मैसेज करोगे, प्लीज रिक्वेस्ट है वो मेरे को कॉल कर ले, मैसेज कर ले, वहां कहेंगे साइको है, पागल है ये लड़का, ये पागल हो चुकी है लड़की, इसको मेंटल हॉस्पिटल भेजो, इससे दूर हो जाओ। उसके दोस्त उसको यही कहेंगे पागल है साइको है, तुम्हें ब्लेम लगाया जाएगा, तू नहीं समझता, तू नहीं समझती, और तुम्हें छोड़ा जाएगा। देखो इमोशनल फीलिंग को अगर शो कर दोगे कोई तुम्हारी कदर नहीं करेगा, कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, एफर्ट्स मत लगाओ, ज्यादा मत भागो, दुनिया तुम्हें प्यार करेगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।